ताजत से और भरमिन कर रहे हैं क्षेत्र, क्या रिस्पांस मिल रही है जनता को? आप तो देख ही रहे हैं, आप सर्वे भी किए होंगे, जनता ने जिस तरह हमको सपोर्ट कर रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि 20 साल से किसी प्रत्याशियों को इस तरह से सपोर्ट करता होगा। जहाँ जा रहे, जहाँ युवाओं में, बुजुर्गों में, माताएं एवं बहनों में इतना जोश भरा हुआ है, इतने खुश होकर के हमको स्वागत कर रहे हैं, इतने मान सम्मान दे रहे हैं कि जिसको मैं कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं काफ़ी उन लोगों का आभारी हूँ जिस तरह से हमारा स्वागत करते हैं जिस क्षेत्र में जाता हूँ, और उनकी साफ मांग है कि पालीगंज से लोकल और देहाती किस्म के आदमी, जमीनी आदमी मेरा प्रत्याशी हो। और सर, स्थानीय विधायक यहाँ का जयवर्धन यादव हैं और जो जदयू में चले गए हैं, ये सर्वे के अनुसार उन पर ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? जनता पार्टी बदल दिए हैं विधायक जी, लेकिन जनता थोड़ी बदला है, जनता वही है ना, जनता तो इनको करारा जवाब देगी। इस डर से तो ये भाग गए कि पार्टी हम बदल देंगे तो कहीं मौका मिलेगा, सबसे पहले तो अपना सीट क्लियर करवा लें एनडीए से। अगर सीट इनका क्लियर भी हो जाता है तो पालीगंज के जनता समझ गया है कि एक बार तो जीते तो ही एक साल में 365 दिन होता है, अब 5 साल ही रहे हैं तो 5 से गुना कर दीजिए तो ये मुश्किल से 5 दिन भी नहीं आते हैं क्षेत्र में, तो ये मेरे लिए क्या करेंगे। आज कल ही मैं पालीगंज से आ रहा था तो पानी टंकी के पास में इतना पानी था मेन रोड के ऊपर, विकास तो दिखाई दे रहा है, इतना पानी के अंदर है मेन रोड के ऊपर, 4 फीट 3 फीट पानी है पानी टंकी के पास। बाबा बोरिंग रोड में अगर बरसात हो जाता है तो 15 दिन तक रोड पर पानी रहता है। बस डिपो के हाल देख लीजिए, लग रहा है कि वहाँ कलरा फैलेगा कि हैजा फैलेगा, इतना गंदगी हो रखा है। तो इस तरह के विकास दिखाई ही दे रहा है पूरा पालीगंज में, आप जाकर के देख लीजिए। विधायक जी कॉन्फ्रेंस में भी बोले थे कि पालीगंज में विकास सबसे ज़्यादा किया गया है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्या कहेंगे, कितना विकास किए हैं स्थानीय विधायक यहाँ के? इन्होंने इतना विकास किया है ना कि 4 गो दवाई लिख देगा ना पालीगंज हॉस्पिटल में डॉक्टर, तो 1 गो दवाई नहीं मिलेगा स्टोर में। वहाँ पर हर विभाग के डॉक्टर बैठने के लिए अथराइज है अनुमंडल अस्पताल में, और जाकर देख लीजिए कई गो डॉक्टर बैठते हैं वहाँ, यही विकास उनका है। बेड है वहाँ सुरक्षित, साफ सफाई है, 5 गो दवाई लिखने पर 1 भी दवाई नहीं मिलता है पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में। गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दिक्कत है, स्कूल की हालत देख ही रहे हैं, कितना कॉलेज बना दिए हैं, कितना हॉस्पिटल बना दिए हैं। अनुमंडल अस्पताल, अनुमंडल है तो अनुमंडल अस्पताल तो बनेगा ही, लेकिन अनुमंडल अस्पताल की हालत जाके देखिए ना, वहाँ न दवाई मिलेगा, न डॉक्टर टाइम से मिलेगा, न साफ सफाई मिलेगा, न बेड मिलेगा, ये कुछ विकास नहीं करे। इनको विकास अभी दिखाई दे रहा है, जाकर के देख लीजिए पानी टंकी के पास मेन रोड के ऊपर इतना पानी जो दिखाई दे रहा है, विकास ना दिखाई दे रहा है। बाबा बोरिंग रोड में जाकर देख लीजिए इतना पानी दिखाई दे रहा है, वो विकास ना दिखाई दे रहा है। सर, युवाओं में काफ़ी जोश देखा जा रहा है आपके खिलाफ, आपको युवाओं काफ़ी चाह रहे हैं, चाहने की क्या कारण है? चाहने के कारण है कि युवाओं बेचारे सारे अब शिक्षित हो गए हैं, सोशल मीडिया सभी देख रहे हैं कि बाहरी आदमी आते हैं, बड़का घराना के आदमी आता है, हर बार बुर्बक बना के चला जाता है। उनको चाहिए यहाँ पर जमीनी आदमी जो जनता के बीच में रह कर के सेवा कर सके। उन्होंने, युवाओं ने या बुजुर्गों ने हमारे अंदर उन्होंने कुछ न कुछ देखा होगा, कुछ न कुछ हमारे अंदर उनको मेरी क्वालिटियाँ उनको पसंद पड़ी होगी। जो हम लगातार दिन रात विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच में हम जा रहे हैं।